रविवार को जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि लाल डिग्गी स्थित नेहरू पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी ने किया। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देश बंटवारे के दौरान भारत में किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत चीज नहीं थी। उन्होंने देश हित में अपना सब कुछ देश को निछावर कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। इनके बताए रास्ते पर हम कांग्रेस जन चलने को संकल्पित हैं। यही स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, स्थानीय पार्षद संजीव सिंह सोनू, डॉक्टर पी एन भट्ट, प्रमुख प्रवक्ता दिलीप कुमार निषाद, मार्कंडे सिंह, निर्मला वर्मा सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रही ने कहा, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, जवाहरलाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, 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 जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिनको हम लोग आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी याद करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम कांग्रेस जन यहां आके उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं और ये संकल्प लेते हैं को जिस तरह नेहरू जी ने सुख सुविधाओं का, ऐसो आराम का त्याग करके, चाहे वो आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद, उन्होंने देश की जनता के लिए संघर्ष करने का काम किया, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलेंगे और देश को पुनः जो विकास की धारा रुकी हुई है, पुनः आने वाले 2019 के चुनाव के बाद पुनः देश को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरा एक संकल्प लेती है, ऐसे करके देखती है।